और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगातार कई दिनों से प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार आने वाले दिनों में तरह तरह के उपाय लागू करने वाली है। दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार, आरकेपुरम, पंजाबी बाग और ITO में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से आज से 18 नवंबर तक सभी स्कूल शीतकालीन अवकाश के लिए बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के ऑड इवन स्कीम की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के बाद दिल्ली में ये योजना फिर लागू होगी। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 20 नवंबर के आसपास क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश की जाएगी। ऐप आधारित टैक्सियों यानी कि ओला उबर पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। और दिल्ली से अलग पंजाब और मुंबई में भी वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता और सेहत दोनों बिगाड़ रखी है। पंजाब में पराली जलाने से राज्य में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता जा रहा है। वहीं मुंबई में पिछले कुछ दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बीच मुंबई में BMC ने निजी और सरकारी परियोजनाओं के काम में लगे ठेकेदारों और रियल एस्टेट फर्मों को नोटिस भेजकर धूल को कम करने के मानदंडों का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा है।